भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में समर्पण निधि अभियान की शुरुआत एक अनूठे अंदाज में की। बीजेपी नेताओं ने खजराना गणेश मंदिर में सबसे पहली रसीद सिद्धिविनायक गणेश की काटी। भगवान सिद्धिविनायक से 1,000 रुपए की राशि समर्पण निधि के रूप में लेकर अभियान की शुरुआत की गई। इंदौर में बीजेपी ने समर्पण निधि अभियान की शुरुआत अनूठे अंदाज में की। बीजेपी नेताओं ने खजराना गणेश मंदिर में सबसे पहले रसीद सिद्धिविनायक गणेश की काटी। भगवान सिद्धिविनायक से 1,000 रुपए की राशि समर्पण निधि के रूप में ली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लेकर शुरू किया समर्पण निधि अभियान। बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण निधि अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समर्पण निधि का संग्रह किया जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी ग्रामीण इंदौर ने समर्पण निधि अभियान का शुभारंभ अनूठे अंदाज में किया। बीजेपी नेताओं ने खजराना गणेश मंदिर में भगवान सिद्धिविनायक की 1,000 रुपए की रसीद काटकर अभियान की शुरुआत की। अभियान को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पुजारी है, इसलिए बीजेपी अपने राष्ट्रीय संकल्प का शुभारंभ आध्यात्मिक केंद्र से करती है। इसी कड़ी में सिद्धिविनायक के दरबार में पूजन अर्चन कर समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर, प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार, भाजपा जिला प्रभारी रघुनाथ सिंह भाटी, वरिष्ठ नेता मधु वर्मा एवं IDA अध्यक्ष जयपाल चावड़ा उपस्थित रहे। आज समर्पण दिवस है भारतीय जनता पार्टी का 11 फरवरी परम श्रद्धेय दीनदयाल जी का बलिदान दिवस है और आज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार जिलाध्यक्ष जी का है। जिलाध्यक्ष जी को बुला, जिलाध्यक्ष जी बुलाओ ना, जिलाध्यक्ष जी और हमारे संगठन के सभी प्रदेश के महामंत्री हैं, हमारे नगर ग्रामीण के प्रभारी हैं, जयपाल जी हैं और पूरी जिला कार्यकारिणी है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुजारी है, इसलिए हम अपने किसी भी राष्ट्रीय संकल्प का कार्यक्रम आध्यात्मिक केंद्र से प्रारंभ करते हैं। इसलिए आज हम सब भाई बहनों ने खजराना गणेश जी का अभिषेक किया, गणेश अथर्वशीष का पाठ किया और विश्व के पहले बलिदानी भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना की कि हमें भी आप जैसी त्याग तपस्या बलिदान मिले और सांस्कृतिक राष्ट्र का वाद का परचम फहराते हुए हम भारत को जगत गुरु के पावन पद तक ले जाएं। दीदी, इस बार जो लक्ष्य दिया गया पिछली बार से 3 गुना है, 15 करोड़ के करीब, इतना लक्ष्य कैसे हो पाएगा? देखिए, ये तो संगठनात्मक हमारी व्यवस्था है और ये लक्ष्य कोई बहुत बड़े नहीं होते। वैचारिक अनुष्ठान से जिनका भी स्नेह है वो लोग बुलाकर स्वप्रेरणा से और सदैव सहायता करते हैं और हमारी पार्टी निरंतर इसी प्रकार से कार्य करती चली आ रही है। अभियान को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर ने कहा कि बीजेपी हमेशा कोई भी अभियान की शुरुआत करती है तो भगवान का आशीर्वाद लेकर ही करती है। इसी को लेकर बीजेपी जिला ग्रामीण ने भगवान सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लेकर समर्पण निधि अभियान की शुरुआत की और भगवान से प्रार्थना की है कि तय समय अवधि के अंदर हम हमारे अभियान का समापन कर सकें। देखिए, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से भगवान श्री गणेश की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करके होते हैं और आज हमने हमारे इंदौर शहर के प्राचीन मंदिर सिद्धि विनायक प्रथम पूज्य श्री खजराना गणेश मंदिर में हम सभी भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने भगवान से प्रार्थना की है कि हमें एक महान कार्य पार्टी संगठन का करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत आज हमने उनकी शरण में आके प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना कर शुरू की है कि समय के अवधि के अंदर
हम सभी कार्यकर्ता अपने इस कार्य को पूर्ण करें। निश्चित ही कोई भी काम अगर सिद्ध करना है तो श्री गजानन भगवान को सबसे पहले नोता जाता है, सबसे पहले उनको आमंत्रित किया जाता है। हमारे घर में अगर कोई शुभ कार्य भी होता है तो हम सबसे पहले श्री गजानन देव भगवान की शरण में जाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक बड़ा कार्य हम कर रहे हैं संगठन परिवार का, तो गणेश जी हमारे संगठन परिवार में उनका पूरा आशीर्वाद हम सबको हमेशा जैसा मिलता है वैसा मिलता रहे और हम कार्य को पूर्ण करें इस आशा को लेकर हम नहीं देखिए टारगेट बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको अचीव नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है जो उमंग है वो कई गुना ज़्यादा है और प्रदेश संगठन जानता है कि जब भी अगर इंदौर भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण की हम बात करें तो जब भी हमें जो लक्ष्य मिला उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया और उससे अधिक कार्य किया है। पिछले वर्ष भी जो लक्ष्य हमारा था उस लक्ष्य से ज़्यादा राशि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा करके दिया था और उसी को उस उत्साह को देखते मुझे लगता है पार्टी ने नया लक्ष्य दिया है और इसको भी हम सब पूरा करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।